हेलो गाइस आप सब कैसे हैं होप अच्छे होंगे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड योर प्रिपरेशन जैसे कि आप अपनी अपनी तैयारी जो है जोरों शोरों से शुरू कर दी होगी तो मैंने आज एक सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन दिया है तो जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं इन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स वन आर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल वन थर्टी टू किलोमीटर बिटवीन मिसोर एंड बैंगलोर विदाउट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द टाइम दिस इंटरमीडिएट स्टेशन द इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज इलेवन किलोमीटर पर आर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन हमें दोनों ट्रेन की क्या निकालनी है एवरेज स्पीड तो जब हमें दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड निकालनी है, तो जो निकालना होता है उसको ही हम लेट कर लेते हैं तो मैं पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को एक्स मान लूंगी तो जो मेरी एक्सप्रेस ट्रेन है वो जो उसकी स्पीड है वो इलेवन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज चल रही है तो उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस इलेवन किलोमीटर पर आवर तो आइए अपना सॉल्यूशन करते हैं सॉल्यूशन लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आर की भाई जो हमारी पैसेंजर एक्स, एक्स, ट्रेन है वो एक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है देफोर या देन एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन होगी आपकी एक्स प्लस इलेवन किलोमीटर पर आर ठीक है दोनों का जो टाइमिंग है उसमें एक घंटे का डिफरेंस है यानी कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो एक घंटा पहले अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है तो दोनों की हम जो टाइमिंग है वो निकाल लेते हैं तो टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन की पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लगाती है टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो आपकी जो डिस्टेंस है वो 132 किलोमीटर है दोनों के लिए और इसकी स्पीड क्या है एक्स तो यानी कि 132 थर्टी टू बाय एक्स आपका आ गया टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन निकाल लेंगे हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस इसके लिए भी इतनी ही है और स्पीड क्या है इसके लिए आपकी स्पीड है इसके लिए एक्स प्लस इलेवन किलोमीटर पर आर तो आप ये कितना टाइम लगाएगी वन थर्टी टू इतना टाइम लगाएगी एक्स प्लस इलेवन आर अब एक्सप्रेस ट्रेन तेज स्पीड से चल रही है तो इसके द्वारा लगा हुआ टाइम क्या होगा कम और दोनों के टाइमिंग में कितना डिफरेंस है वन आर का तो फो हमारी जो इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन बनेगी वन थर्टी टू बाय एक्स माइनस वन थर्टी टू बाय एक्स प्लस इलेवन इज इक्वल टू वन ये टाइम ज्यादा लेगी पैसेंजर ट्रेन दोनों के टाइमिंग में वन आर का डिफरेंस है यानी कि पैसेंजर ट्रेन के टाइमिंग में से हम एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम माइनस करेंगे तो इक्वल टू वन होगा सॉल्व करेंगे वन थर्टी टू एक्स प्लस इलेवन माइनस वन थर्टी टू एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस इलेवन इज इक्वल टू वन वन थर्टी टू की मल्टीप्लाई एक्स से भी होगी और वन थर्टी टू की मल्टीप्लाई इलेवन से भी होगी तो कर लेते हैं कितना आएगा वन फोर फाइव टू आएगा ठीक है माइनस वन थर्टी टू एक्स और ये मल्टीप्लाई होके उधर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स वन थर्टी टू से वन थर्टी टू एक्स कट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स और ये आपका आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो बन गई है क्वाड्रेटिक मिडल टर्म तोड़ कर देखते हैं क्या टूटती है तो हमें क्या चाहिए आ, हमें मल्टीप्लाई करके तो चाहिए वन फोर फाइव टू और माइनस करके चाहिए इलेवन तो हम इसके फैक्टर करके देखते हैं कौन सा आता है मैंने इसका फैक्टर देखा तो आपका आया फोर्टी फोर माइनस थर्टी थ्री ठीक है फोर्टी फोर माइनस थर्टी थ्री माइनस वन फोर फाइव टू इज इक्वल टू जीरो इसमें क्या करते हैं ये मल्टीप्लाई करके हमारा ये आना चाहिए दो तो ऐसे नंबर ढूंढते हैं और यहाँ पर माइनस है इट मीन्स माइनस करके आना चाहिए इलेवन तो इसका एलसीएम लेके देख लो नंबर का तो मेरा आया फोर्टी फोर माइनस थर्टी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी फोर एक्स माइनस थर्टी थ्री एक्स माइनस वन फोर फाइव टू इज इक्वल टू जीरो यहाँ से आपका x कॉमन आएगा यहां से आपका माइनस थर्टी थ्री कॉमन आएगा इज इक्वल टू जीरो x प्लस फोर्टी फोर और x माइनस थर्टी थ्री आपके दो फैक्टर आए एक बार आप x प्लस फोर्टी फोर को जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी फोर्टी फोर और जो हमने x माना था वो हमारी स्पीड थी स्पीड कांट भी नेगेटिव तो ये वैल्यू हम लेंगे नहीं x माइनस थर्टी थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो और जब हम इसको पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी थर्टी थ्री इट कांट बी पॉसिबल बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव स्पीड जो है आपकी निगेटिव नहीं हो सकती तो देअर फोर आपकी स्पीड जो आई पैसेंजर ट्रेन की वो आई थर्टी थ्री किलोमीटर पर आर और जो आपकी स्पीड आई एक्सप्रेस ट्रेन की वो आपकी आई थर्टी थ्री प्लस इलेवन इज इक्वल टू फोर्टी फोर किलोमीटर पर आर अच्छा क्वेश्चन था होप आपको अच्छे से समझ में आया वो सैम्पल पेपर का है और ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग